नमस्कार, आप देख रहे हो बहुजन हलचल। आज की सबसे बड़ी खबर, धर्म और जातिवाद से घिरी रजनीकांत की फिल्म लाल सलाम का टीजर ने मचाया तहलका। धर्म के नाम पर बांटे लोगों को जोड़ते नजर आएंगे सुपरस्टार। पोगल 2024 पर होगी रिलीज। बता दें कि साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की अगली फिल्म लाल सलाम का टीजर दिवाली पर रिलीज हुआ है। इस स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म के जरिए रजनीकांत एक बेहद खास मैसेज देते नजर आएंगे। फिल्म की कहानी तो दोस्तों के इर्द गिर्द बुनी हुई है जो कभी एक साथ क्रिकेट खेला करते थे। अचानक एक दिन दोनों के बीच धर्म की दीवार आ जाती है। यह सिर्फ खेल नहीं, युद्ध है। 2 मिनट के इस टीजर की शुरुआत एक क्रिकेट ग्राउंड से होती है जहां एक मैच चल रहा होता है। कमेंटेटर अनाउंस करता है कि यह सिर्फ एक खेल नहीं, युद्ध है। मैच के बीच ही दंगे भड़क जाते हैं और क्रिकेटर्स आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। फिल्म में रजनीकांत धर्म की इस लड़ाई को सुलझाते हुए नजर आएंगे। वो इसमें मोहिदीन भाई का किरदार निभा रहे हैं जो समाज को जोड़ने की कोशिश में जुटा रहता है। टीजर में रजनीकांत कार से ग्रैंड एंट्री करते हैं और गुंडों की पिटाई करते हैं। टीजर में उनका एक डायलॉग भी है जिसमें वो कहते हैं, आपने खेल के साथ धर्म मिला दिया है, आपने लोगों के दिमाग में जहर भर दिया है। रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या फिल्म के डायरेक्टर हैं। फिल्म में रजनीकांत का एक्सीडेंट कैमियो है। इसे रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या रजनीकांत ने ही डायरेक्ट किया है। फिल्म का टीजर देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह सुशांत सिंह राजपूत स्टारर कई पोच छे इंस्पायर्ड है। इस फिल्म की कहानी भी क्रिकेट और सांप्रदायिक दंगों के इर्द गिर्द बुनी गई है। लाल सलाम पोगल 2024 पर रिलीज होगी। इसे पैन इंडिया लेवल पर हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में रिलीज किया जाएगा। फिल्म में रजनीकांत के अलावा विष्णु विशाल और विक्रांत जैसे कलाकार लीड रोल में नजर आएंगे। वहीं इसमें भारतीय क्रिकेटर टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव का भी कैमियो है। अब देखना होगा कि साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म लाल सलाम जनता पर कितनी छाप छोड़ पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज़।